बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आबिद इस्माइल एक और स्टॉक के साथ हाजिर हूँ, आगे स्टील। अच्छा, आगे स्टील जब से ये इसका लॉसेस आने शुरू हुए और जब से इसने जो आईपीओ का जो रेट है वो रेस्ट करना शुरू किया अपर साइड पे, ठीक है। एक तो होता है डाउन साइड पे सपोर्ट पे रेस्ट करना, तो वहां से पुल बैक समझ में आता है, तो ये रिवर्स में पुल बैक हुआ है वहां से। और ये आते आते इसने अपनी जो लो किया है वो तकरीबन 8 रुपए 3 पैसे का इसने लो किया है। ये मैं आपके साथ वीकली चार्ट शेयर कर रहा हूँ, तो आप देखें तो ये वहां पे थोड़ा इसने रेस्ट किया था डेली पे इसी एरिया पे, और फिर यहाँ से इसने वीकली पे देखें तो और डेली पे भी एब्रप्टली जो इसने यहाँ से मूवमेंट दिखाई अपसाइड पे। उसकी वजह ये हुई कि फौजी फाउंडेशन ने इंटरेस्ट शो किया था फॉर एक्विजिशन ऑफ आगा स्टील, और इसके बाद जो है स्टॉक जो है ये इसने ये यहाँ पे हाई किया तकरीबन 15 रुपये, बल्कि यहाँ पे ये हाँ 15 रुपए 85 पैसे का हाई किया इसने, ठीक है। और ये फिर ये वापस वीकली पे अगर देखें तो ये यहाँ पे नीचे आता रहेगी, ये समझे ग्रेव स्टोन डोजी कहेंगे हम इसे, या ये एक स्पिनिंग टॉप होता है ऐसे, अगर हम इसको ग्रेव स्टोन डोजी भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। तो ये ग्रेव स्टोन डोजी बना और इसके बाद जो है फिर ये इसकी जो कन्फर्मेशन हुई वो एक बेरिश कैंडल से हुई। फिर इसके बाद देखें अगेन 1 2 3 जिसे हम टेक्निकली 3 ब्लैक क्रोस बोलते हैं, फिर यहाँ पे एक और इसको एंगल्फ किया एक बुलिश कैंडल ने, और फिर इसने अपसाइड पे गया। लेकिन यहाँ पे देखें जैसे मैंने अगेन आपको बताया था ना कि इसकी कंफर्मेशन जो है वो अगर हम समझ लें यहाँ पे, यहाँ पर भी आ जाए तो कुछ हम अपसाइड देख सकते हैं मजीद 14 रुपए 27 पैसे। ये एक समझे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, मैं इसको रेड कलर दे देता हूँ कस्टमाइज, 14 27 से लेके 14 74, ये इसकी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करके अगर ये सस्टेन करेगा, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ सेकंड बीटी, एक फर्स्ट बीटी तो यहाँ पर है 1251 से 1290 तक, और ये सेकंड बीटी है ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ बीटी, ये सेकंड बीटी होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी है 1251 से 1290 तक, और तो देखें यहाँ पे गया भी था फिर यहाँ पे रिजेक्शन भी। इसकी वजह है कि जो सेकंड कैंडल ने इसको और मजीद कंफर्म किया था उस, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। एक तो ये है, ठीक है, इसकी ओपनिंग और इसकी ओपनिंग, ये दोनों स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है। और ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया से हम कहेंगे, सेकेंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया वो 1427 से लेके 1474 तक है। इसके ऊपर ये अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है तो फिर इसमें मजीद अपसाइड देख सकते हैं। अच्छा, फंडामेंटली थोड़ा बहुत मैं शेयर करता हूं, तो मैंने अभी टेक्निकली आपके साथ शेयर किया। फंडामेंटली देखें तो एज सच कोई इतना स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं, अगर हम देखें इसका तो ये इसका ईयर एंड जून है, जून में इसका जो है ये जो है पर एनम जो इसका ईयरली जो अर्निंग है वो लॉस में आई है, ठीक है। इसका जो लॉस पर शेयर है वो 8 रुपए 41 पैसे है, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट क्वार्टर आया था उसमें 3 रुपए और, तो ये तकरीबन समझे 11 रुपए 41 पैसे हो गया, और अगर मजीद दिसंबर में और इसी तरह बढ़ता रहता है 3 3 रुपए करके, इससे पहले भी देखें इसका क्वार्टर जो है 5 रुपए आया था और यहाँ 3 रुपए आया है, तो ये मतलब समझे क्वार्टरली बेस पे तो इसने थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखाई है। तो अगर ये इंप्रूवमेंट अगर जारी रहती है तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बगैर किसी एक्विजिशन की न्यूज के या अपने खुद ही बाय इट सेल्फ जो है मूवमेंट अच्छी दिखा सकता है। अच्छा, कुछ काफी लोग इसकी खबर के बाद काफी लोगों ने मुझे जो है पर्सनल पे मैसेज भेजेंगे, आबिद भाई क्या लगता है आपको, तो देखिए अब इस रेट पे जो है बहुत कम रेट है इसका, इस रेट पे मैं समझता हूँ अब ज्यादा अब लॉस करके ना बेचें। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपने कोई चीज हायर साइड पे ले ली है, ठीक है, और आपको देखिए सबसे बड़ी बात आपका दिल गवाही देता है कि यार ये चलेगा नहीं चलेगा सर, तो आपकी आपको जो काम करने वाले हैं वो हफ्ते में 15 दिन में तो एक दफा देखते होंगे कि ठीक है यार एक दफा हम देख लें, तो ये हफ्ते की आपको समझ में आ जाएगी क्या देखें। यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी, फिर ये इस वीक में जो है फिर ये बना, फिर यहाँ डोजी बना, फिर इसकी कन, तो आप अंदाजा हो सकता है कि आप ये तो मैं खाली ये देखे ना ये भी। अच्छा, लोग कहते हैं कैंडल समझ में नहीं आती, कैंडल देखे ना समझ में, ये सेंटिमेंट ही शो कर रहा है ना, आप खुद ही देख लें कि प्राइस जो है वो यहाँ पर गई 15 रुपए 22 पैसे, फिर आप नेक्स्ट वीक में देख रहे हैं इसकी क्लोजिंग हो रही है 13 रुपए, फिर उसके नेक्स्ट वीक देख लेने 12 रुपए, बोले एक्विजिशन की न्यूज आई है और ये नीचे नीचे आया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे खुद ही अंदाजा हो जाता है, तो अगर आपने कोई ले भी लिया है तो 2 से 3% में हमेशा कहता हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपना रखें,
और देखेंगे अभी ठीक है, अगर मैंने यहाँ रेट पे ले लिया है, अपर साइड पे अपर कैप पे ले लिया था और फिर ये अपर कैप से नीचे आ रहा था, आप बेच दें भाई। ठीक है भाई यार, ये समझ में नहीं आ रहा, अगर ये चल रहा होता तो फिर ये 16 17 18 रुपए ये आगे ऊपर की तरफ जा रहा होता। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बोल दूं कि जो बहुत ही केयरफुल रह के, मतलब जब ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए मैं कहूँ, जब तक ये एरिया सस्टेन नहीं करता है तकरीबन 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, ये एरिया जो है 14 रुपये, मैं आपको जो है टू बी ऑन द सेफ साइड 15 रुपये बोल देता हूँ, 15 रुपये का एरिया जब तक ये सस्टेन नहीं करता ये ऊपर नहीं जाएगा। टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ, तो फंडामेंटली मैं आपको बता रहा था थोड़ा सा, मैं तो देखे ना इतना फंडामेंटल मेरी ग्रिप नहीं है, लेकिन मैं फिर भी फंडामेंटली सबको देखता हूँ। एटलीस्ट बुक वैल्यू, आप कम से कम बुक वैल्यू देख लिया करें, आपको बहुत सा मटेरियल मिल जाएगा, बहुत से जो है लिंक्स हैं, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो कोई 46 रुपये बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई 40 रुपये बता रहा है। तो मैं तो देखे सिंपल, मैंने आपको भी बताया हुआ है कि सिंपल कैलकुलेशन आप यूं कर लिया करें कि इसके जो एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज है वो देख लिया करें, अगर एसेट लाइबिलिटी से ज्यादा है तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप इसको होल्ड करें। और इसमें अगर किसी का हायर साइड पे भी बहुत है तो इसी में अपने स्टॉक में ट्रेड करें, वॉलिटिलिटी देखेंगे आप वीक में कितनी आती है, यहीं पे देख लें, यहाँ पे आपको जो है काफी अच्छा मिल जाता है, यहाँ पे 8 आना 12 आना रुपया, अगर ये आप हफ्ते में 2 हफ्ते में देखें तो मूवमेंट दिखा रहा था, अप साइड पे बेचें लोअर साइड पे फिर लें फिर अप साइड पे बेचें, तो इस तरह देखें सॉरी ये लोअर साइड पे यहाँ से आया फिर देखें एब्रप्टली इसने मूवमेंट दिखाई, जिन्होंने यहाँ सबर करके रखा उनको देखें कितना अच्छा गेन मिला, जो यहाँ पे ले बेच करते रहे या एक्यूमुलेट करते रहे ये छोटी छोटी कैंडल पे, और फिर एक साथ अगर उन्हें जमा करके रखा तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे गेन मिला। तो इसमें आप ट्रेड भी करते रहे, वीकली बेस पे इसको ट्रेड करें, ठीक है, डेली बेस पे ये अभी इसलिए चल रहा था वॉलेटाइल हो रहा था कि इसको एक्विजिशन की, मतलब डेली बेस पे इतना नहीं था, देखिए वीकली बेस पे ही इस पे थोड़ा बहुत उसमें मिल रहा था, जो गेन मिल रहा था वो 50 पैसे का 70 पैसे का जो भी है वो वीकली बेस पे मिल रहा था। तो इसको वीकली बेस पे रखें, और मैं आपके साथ जो लेवल्स है वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक, अभी जो इसकी क्लोजिंग आई है वो 11 रुपये 10 पैसे आई है, ठीक है, लोअर लॉक पे वो आई। अब यहाँ पे जो जो नेक लाइन सपोर्ट है वो 10.28 से लेके 9.90, मतलब 10.30 से लेके 10.30 से लेके 9.90 तक नेक लाइन सपोर्ट है इसकी, और एरिया वैल्यू जो है वो जो है, एक मिनट यहां से कर दो, ये रहा एरिया वैल्यू जो है 9 रुपये 30 पैसे से लेके 8 रुपये 74 पैसे तक है, ठीक है। अगर हम वीक पे देखें तो यहीं पर आया था, ये क्लोज हुआ था, इसके नीचे विक बनी, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 8.74 से लेके 8.31, तो यहाँ पे विक भी बन सकती है, आपने आप घबराए नहीं, यहाँ पे इसको देखें और इसी का स्टॉप लॉस दे दें इसी के नीचे, ठीक है, अगर इसी के नीचे कोई बेरिश कैंडल बनती है तो स्टॉप लॉस दे दें आप, ठीक है। तो एरिया ऑफ वैल्यू पे मैं हमेशा कहता हूँ रिस्क लेना चाहिए, 9.30 से लेके 8.74 तक है, ठीक है। बल्कि मैं अगर आपको ये मैं कर दू, ये वाले रही, यहाँ पे इसने कई दफा सपोर्ट भी लिए, विक बनी है, ये विक ले लेते हैं इसकी हम, ये जो विक बनी थी ना यहाँ पे, इसको मैं और आगे कर देता हूँ ये एरिया, ठीक है। तो 9.60 से लेके 8.75 तक यहाँ इसको आप देखें, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये नेक लाइन सपोर्ट है, शायद इसी को ऑनर कर जाए, क्योंकि बुक वैल्यू जो है उसकी बहुत अच्छी है, बुक वैल्यू जो है तकरीबन मेरे साथ, वैसे तो 46 रुपये कुछ बता रहे हैं, ये तकरीबन 40 रुपये बनती है मेरे हिसाब से, 40 रुपये की इसकी बुक वैल्यू है। इट इज सेम लाइक पार्क सुजुकी मोटर PSMC, उसमें भी देखें आप, को कभी लॉस आ रहा है कभी प्रॉफिट आ रहा है और पे आउट कुछ भी नहीं था, तो फिर उसकी नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से उसने अगर बायबैक भी किया है तो देखें 900 रुपये तक ले गया था, फिर आई थिंक समवेयर अराउंड 650 to 625 जो है फिर ये बायबैक हुआ था पार्क सुजुकी मोटर। मे भी पॉसिबल है कि अगर ये कोई एक्वायर भी कर रहा है तो उसकी जाहिर सी बात है नैप देखी जाएगी, नेट एसेट वैल्यू बुक वैल्यू देखा उसी हिसाब से जो है फिर इसकी एक्विजिशन होगी या फिर बायबैक होगा, तो दोनों सूरतों में फायदा ही है क्योंकि इसके एसेट ज्यादा हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से तो अभी फिलहाल कोई घबराहट में आके कोई पैनिक में आके आप जो है ज्यादा लॉस ना करें, मेरे हमेशा वैसे पर्सनली मेरी भी हमेशा से यही वो होता है, ख्वाहिश होती है कि लोग अपना लॉस ना करें, ठीक है, या दूसरा स्टॉक देख लें, स्विच कर जाए, स्विच ना करें, दूसरा स्टॉक देख लें, अगर आपके पास और इन्वेस्टमेंट है तो इसमें ट्रेड करते रहे, वरना कोई दूसरा स्टॉक, वॉलीटाइल स्टॉक बहुत है आजकल मार्केट में, तो उसमें जैसे पावर सेक्टर में काफी है, लाल पीर पावर है, NCPL, इनकी देखें मूवमेंट अच्छी जाती है, तो
तो उसमें आप देख लें, या कोई डिविडेंड ओरिएंटेड आप स्टॉक देख लें, उसमें आप काम करते रहें, ट्रेड करते रहें, या फिर मजीद इन्वेस्टमेंट आप पूर्ण करके इसी में ही ट्रेड करते रहें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।